थोड़ी अरे आगे मत जा रहे, पीछे भी फ्रेम लगा रहे थे। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा विजुअल लेना। योगेश क्या हाल हो तेरे? चलो चलो रोलिंग। यार योगेश धमाकेदार चीज होने जा रही है और हम लोगों को सच में बड़ी खुशी है कि हमारे गोकुल धाम में अभी किसी की शादी फाइनली हो गई। और अभी वैसे वो दिशा की हुई है और हम चाहते हैं कि हमारे उसमें भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनकी शादी होनी है तो वो भी हो जाए। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा धकामा हो रहा है और इसमें जम के करना है। अभी अंदर जाना है और वहाँ पे बहुत कुछ करना है। आप अगर अंदर आते हो तो देख लेना कि वहाँ पे भी कैसा धमाल होने वाला है, लेकिन एकदम मस्त। हाँ 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 हाँ, आप तो जान दिया ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मयूर भैया की बात करें तो आपको पता है हम किस तरह के बंदे हैं, क्या है, कितने एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए? देखो जी, बंदा जैसा भी हो हमारे गोकुल धाम के साथ मिल के वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो ओरिजिनल उनका दया भाभी का भाई है उसका नाम भी मयूर है और ये भी मयूर है, दोनों मयूर हैं। और मैंने उनकी फ़ोटो एक्चुअली उसके थ्रू देखी, मेरे को कोई व्हाट्सएप वगैरह पे आई तो मैंने देखा, अरे यार बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है। अजी गिफ्ट जो आपको चाहिए गिफ्ट वो ले लेना, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया है, लेडीज़ ने पहले ही डिसाइड कर लिया था तो मर्दों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग जब हमारी दिशा जी आएंगी शूट पे तो हम लोग मिल के एक बहुत अच्छा उनको गिफ्ट देंगे जिससे वो बहुत खुश हो जाएंगी। तो वो जो स्पेशल गिफ्ट है वो आपको सेट पे मिलेगा, तो आप लोग सेट पे आ जाना, वहाँ पे हम लोग दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे ये क्या है कि पंजाबी और गुजरातियों की खास बात होती है कि वो ज़रूर देना होता है कुछ ना कुछ, तो वो लेके आए हैं प्यार मोहब्बत से और वो नहीं मिलेंगे तो भी ज़बरदस्ती डाल दूंगा उनके जेब में। गरबा या भंगड़ा? ओ चलो बूम लगा, चलो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पहले तो, और बेस्ट विशेस दूंगा उनके आगे की मैरिड लाइफ के लिए। और जैसे शो में आप हमेशा खाते रहते हो, पार्टी में कितना खाना पीना? हाँ एक्चुअली वो प्राइमरी रीज़न है दिशा दीदी की मैरिज पर, सेकेंडरी रीज़न तो यही है कि आज तो जम के खाना है। थैंक यू। बुला लेना, व्हाट्सएप कर आ जाए। थोड़ा इधर कम कर जा ये कैसा? अरे बूम मत डालो अभी कोई। अरे निक्की, अरे बाजू में डालो, निक्की बाजू में ना। हाँ चलेगा, बाद में खत्म होने देखेंगे। चलो एक तो होता रहता है बाजू में, इतना निक्की हाथ बाजू में करना है। अरे क्या तुम तो लग रहा है, नहीं सही है। रोलिंग रोलिंग इधर पकड़ के कोई डाउन कर। चलो चलो शादी में जाना है, शादी में जाना है। ओके तो सबसे पहले ये बताइए कि आप बेस्ट विशेस लेकर आए हैं आप अपनी रियल लाइफ मामा के लिए? बस उनको यही कहूंगा, उनको उनके पति जी को, कि
आप दोनों की जोड़ी 7 इयर्स तक कायम रहे, 7 जन तक कायम रहे, और बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि लेट देम टेक मोर अहेड। और तो बस यही सेम, और जैसे जैसे दया आंटी, जैसे दिशा दीदी आगे बढ़े, वैसे उनके हस्बैंड भी आगे बढ़े। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं दुनिया का पहला बच्चा होऊंगा, पहला बेटा होऊंगा जो अपनी माँ की शादी पे जा रहा है। नहीं, मैं तो भांगड़ा करूंगा ना। गोगी करेगा भांगड़ा, चलो आप करोगे गरबा। हां दोनों दोनों कम ऑन गोगी, चलो क्या कर रहे हैं अरे गरबा तो भी होता है। ईशा जी का फेवरेट है। हां ईशा एक बार इधर तो सर जी दिशा की शादी है। दिशा की शादी है। ये क्या फंक्शन क्या? मैं तो यहाँ नहीं है, मैं तो बाजू में हूँ। वही बात नहीं, होटल में दूल्हा दूल्हा अभी तक आई नहीं। किसकी शादी है सर वहाँ पे? ठीक है भाई, शिवा भाई की बेटी, अरे वकील है। भाई नहीं बिगड़े इधर, इधर सर, इधर इकड़े पापा। अरे क्या आइला जुई चाप सर सर एक कौन धक्का दे रहा है यार? रोलिंग रोल रोल रोल। ओके, तो आज आप अपने उल्टे चश्मे से कैसे देख रहे हैं दिशा की शादी? भाई उसकी जिंदगी में बहुत कुछ सीधा हो गया है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। एंड सच ए फैबुलस ह्यूमन बीइंग दिशा इज, बिकॉज वी वर्क टुगेदर, आई नो हर। इतनी खूबसूरत इंसान है वो, और बहुत खुश है आज वो, मैं जानता हूँ, बिकॉज शी वॉज वेरी कीन टू गेट मैरिड, एंड अल्टीमेटली द डी डे हैज कम, सो दिस डी डे इज फॉर दिशा। अक्सर आप एपिसोड के एंड में एक मैसेज देते हैं, आज तो आज का क्या मैसेज है? बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से वो दया भाभी बन के सारे मुल्क को हंसा रही हैं, वैसे ही वो अपने परिवार में भी खूब खुश रहें, और तारक मेहता में दया भाभी बन के हम सबको ऐसे ही हंसाती रहें, मेरे दोस्त की जिंदगी के अंदर रोज़ कुछ ना कुछ नया करती रहें, और अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत खुश रहें, प्रसन्न रहें, और वहाँ हे माँ माता जी न करें। आगे मत जाना भाई प्लीज, मंडल तू भी भागा भागी कर रहा है यार, क्या बोलने का है? एक आदमी देख रहा है कितना बिगाड़ देता है।
सर सर फोटो देना कोई नहीं क्या सामने बैठा है ना बाप बनता है ना ये बाप पक्के बोल भी नहीं पीछे वो है सारे नटूलाल नटवरलाल वगैरह खोल दे पीछे ऊपर मस्त है इधर आ जाइए इधर इधर कैमरे एक्सक्यूज मी भगा देंगे सबको और कुछ नहीं भगा देंगे भाई सही है मुझे तो बहुत अरे सब कैमरामैन सुनने वाले होते हैं ना तो यही हालत नहीं होती ये पीछे हो जा योगेश और पीछे जा ठीक पीछे हो जा पीछे आगे चल थोड़ा एक से भाग जा अभी तुम लोग मास्क मैं कहां के लाए थे सर थोड़ा सा इस तरफ कितनी मारा मरी साल ने मुंता हट जाना मुंता अरे ये तो वो घूमता चलो सब लोग साथ में आइए आप मैं यहाँ पीछे आओ ना कैमरा लेके फ्रेम में आ रहे हैं देखिए आप मुझे परेशान मत कीजिए बहू की शादी भूल गए ये मुझे बहुत गुस्सा है ये बहू दूसरी शादी कर रही है लेकिन हमारी पूरी तारक मेहता की टीम इस बात से बहुत 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 खुश है दिशा जी की आज शादी मतलब हो चुकी है आज रिसेप्शन है हम सब उसमें आए हैं और बहुत सालों से दिशा जी से ज़्यादा हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब दिशा जी की शादी हो हम आए हम सेलिब्रेट करें तो आज वो मौका मिला है तो मैं पूरी टीम की ओर से हम सब की ओर से दिशा जी को और उनके हस्बैंड को ये बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी इनकी शादी देख के फिर बुरा लग रहा है कि आप मेरी शादी का सवाल आप पत्रकार या श्याम पाठक एक मिनट डिब्बे डिब्बे श्याम पाठक बोलेगा डिब्बा नहीं बोलेगा श्याम पाठक से जानना चाहिए अगर श्याम से पूछ रही है तो जैसे हमारे अमित भाई ने भी बताया कि हमारी पूरी टीम पिछले कई सालों से ये ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि दिशा की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाए और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हो गई है शादी तो उनकी खुशी में शरीक होने के लिए आज हमारी पूरी टीम सब परिवार यहाँ पर आई है और बहुत बहुत बधाई देते हैं दिशा और मयूर जी को कि उनकी ये शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल रहे और आने वाले सालों में बहुत तरक्की करे जिंदगी की सारी खुशियाँ उनको मिले और अगर पत्रकार पोपटलाल से आप ये सवाल पूछ रही हैं तो बस मैं तैयार होकर आया हूँ ताकि हाँ के मतलब अगर छतरी है रखी है मैंने संभाल कर कि अगर कुछ इंतजाम हो जाता है तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ है तो इनका भी लगे हाथ इनका भी रिसेप्शन हो जाएगा क्या, क्या, क्या? लेकिन ये चीज जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये हमारे चाचा जी जो है उनके सामने ये बात नहीं कह पाए थे आप लोग बताइए मतलब मालकिन की शादी है हमारे मालकिन की शादी है इसलिए मालकिन की शादी में नट्टू काका और बागा खास उपस्थित हुए हैं और मालकिन से ये भी सिफारिश करनी है कि वो सेठ जी से कहे और बहुत जल्द मेरे भी बावरी जी के साथ शादी हो जाए और मैं भी ये और अगर पर्सनली कहें तो मैं तन्मय वेकरिया दिशा जी को और मयूर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं अभिनंदन कॉन्ग्रेचुलेशन मे गॉड ब्लेस देम बोथ ऑलवेज एंड एवरीवेयर थैंक यू सो मच एज ए घनश्याम नायक दिशा जी बेटी जैसे मेरी तो मेरा तो आशीर्वाद रहेगा कि उनका लग्न जीवन बहुत ही अच्छा रहे
और दुनिया के सारे सुख उनको मिले। और नट्टू काका के हद से कहूँ तो मुझे चिंता बढ़ गई है, एक तो पगार मेरी बढ़ती है, बाइट में क्या करूँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता, बाइट में पगार बढ़ेगी कि नहीं। सेठानी अच्छी होती तो पगार बढ़ती है, अभी दिशा जी का मैं बोल नहीं सकता, भगवान करे कामयाबी। अरे वो खड़ी रहेगी, अरे बाइट कर ले फिर विजुअल ना, अरे विजुअल करेगी बाद में, पहले बाइट कर लो, रोलिंग। अरे देवा हाउ आर यू, या 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 नहीं, दया मेहंदी की शादी नहीं है, ये दिशा वगानी की शादी है, मेरी फ्रेंड दिशा वगानी की शादी है, और बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोग उससे हमेशा छेड़ते रहते थे कि तू अभी शादी कर लेना, तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, यू नो हाँ जैसे दोस्त लोग करते एक दूसरे के साथ। सो टुडे इज़ अ डी डे, एक्चुअली डे बिफोर येस्टरडे वॉज अ डी डे, टुडे इज़ अ रिसेप्शन, सो इट वॉज इट्स फैंटास्टिक, आई कैन नॉट wait to go and see her and hug her and lift her in my arms and सबके सामने बहुत बेचारी की बेइज्जती हो जाती है जब मैं उसको गोद में उठा लेती हूँ, और बहुत ही सुंदर लग रही थी वो शादी वाले दिन, शादी के जोड़े में, और खुश लग रही थी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुश लग रही थी, ग्लो कर रही थी, शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल एंड आई एम एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर हर। बिल्कुल लेके आई, फिर मैं ये जरूर नहीं बताऊंगी आप लोग कि मैं क्या लेके आई हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली प्राइवेट, और मैं ये लिख के भी आई हूँ यहाँ पे ओनली फॉर दिशा, सो इट हैज टू बी समथिंग ओनली एंड ओनली फॉर दिशा, सो यस। जी 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 मैं हमेशा मुनमुन बन के आ रही हूँ, मुनमुन इज ओनली बबीता, सो या, सो या आई मीन आई डोंट गेट टू वेयर साड़ी, आई डोंट रियली गेट टू वेयर मच साड़ी, मैं जनरली पहनती नहीं हूँ, पर हम लोगों ने ये सब एक साथ ही लिया था व्हेन वी वर शूटिंग टुगेदर, सो आज आई थॉट कि इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइम टू वेयर अ साड़ी फॉर हर रिसेप्शन। मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही है, प्लीज तारीफ कर दिया करो, मुझे पता है दिशा की शादी है, पर हम भी आए हैं जरा बन जाएंगे, एनीथिंग, थैंक यू। ये तो बंगाली है, अरे देखना वो मेरे आगे जाकर मैं कहां जाऊंगा। मैम यहां, मैम इस तरफ प्लीज, या थैंक यू। दे 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 अंकल, ए साइड लो, क्या है साढ़े सात साल का पूरा वाइट आदमी कर लोगे क्या? कभी कभी तो हाथ में आज तक आज तक बाबू नीचे से टूट के मजा नहीं, ये पीछे मेरे पड़े हो जाए, सीधी हो जाना गुरु का आगे हटो, हट हट आगे का जा रहा है, आगे जा दिलीप जी बाइक कर लेते हैं, एक बाइक कर लेते हैं कॉमन, हाँ मैंने नहीं किया, तूने पहले यहाँ किया, ले लो ले लो, क्या एलर्जी तुम लोग को, ये ना फोटो दादा।
राम आत्माराम बेड़े कौन है दिया कौन है ये लाइट बैठते था वो गेली तुम लोग को इधर खड़े रहे वो तू थोड़ा बंद बस हमें रुक जा तुम बाद में ये सामने एटी दया बाबी की शादी तो हो गई है दिशा की शादी है तो दया बाबी की शादी तो जेठालाल से हो चुकी है माय बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ हर मैं पूरी टीम की ओर से भी उसको बेस्ट विशेज देता हूँ पूरी फैमिली के साथ मैं आज यहाँ पे आया हूँ बहुत खुशी का दिन है आज 24 को से हमारे जो आज रिसेप्शन रखा है आज पूरी टीम हम यहाँ पे मौजूद है और हम लोग जब भी शूटिंग करते थे तो हम लोग की में जब बातचीत होती थी कि भाई शादी करनी है बट शी इज सो डेडिकेटेड एक्ट्रेस बेसिकली लेकिन उनका चल रहा था शायद लेकिन 2015 नवंबर वो एक दिन था जो मुकर्रर हुआ और 24 को उनकी शादी हो गई आज रिसेप्शन है तो माय बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद हर गॉड ब्लेस यू दिशा एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ थैंक यू सो मच मैम लुक हियर प्लीज बुलाना निक्की उसको क्या नाम है मैम प्लीज डब्बा है डब्बा मागे गए ना कैमरा था चल प्रश्न विचारो चलो रोलिंग 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 चलो पूछो अरे पूछो जल्दी खाली खाली बस हम लोग सब बहुत खुश है कि यह फाइनली दिशा जी की शादी हो गई और लड़का भी भगवान की दया से बहुत अच्छा बहुत बढ़िया मिला है राम मिलाई जोड़ी लग रही है दोनों की और भगवान करे उनका सुखी दाम्पत्य जीवन सालों साल तक सुखी रहे और भगवान सबकी खुशियाँ उनकी झोली में डाले और दिशा वैसे भी बहुत ही सीधी सरल है और वैसे ही लड़का भगवान की दया से उनको मिला है तो पूरी टीम हमारी बहुत खुश है कि
आज फाइनली दिशा जी की शादी हो गई। वैसे तो दया बहन को, जो दया बहन है उनको तो शादी सुखी दाम्पत्य जीवन की टिप्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या दिशा को कुछ सुखी दाम्पत्य जीवन की कुछ टिप्स दे दें अगर आप लोग? नहीं वैसे तो अभी देखिए सुखी दाम्पत्य जीवन की मतलब आपने मुझे बुजुर्ग बना दिया, मैं को यार इतना बुजुर्ग नहीं हूँ कुछ टिप्स दे सकूँ, लेकिन ये हर एक की अपनी लड़ाई है और हर एक की अपनी शादीशुदा जिंदगी अपने और तौर पे अपनी लड़ाई होती है, तो आपको अपने ही बलबूते पर उसको लड़नी होती है और तय करना होता है सफर। तो बस भगवान करे उनकी जिंदगी में कभी कोई लड़ाई ना हो दोनों के आपस में और खुशियाँ ही खुशियाँ हों। बस जैसे ये हमारी पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के लिए बहुत सुखद अवसर है। दिशा कब से शादी करना चाहती थी और उससे बहुत अच्छा लड़का मिल गया। आज हमारी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है, सबने जम के पार्टी की, मस्त खाना खाया और एंजॉय किया। હસબન્ડ છે એમને આજે મળવાનું થયું અને બહુ સુંદર છોકરો મળ્યો છે દિશાને, અને બસ આપણે ઘરે કહેવાય કે રામ મિલાઈ જોડી છે, અને જેટલી સરળ અને સીધી દિશા છે એટલા સરળ અને બહુ જ સરસ મળ્યું હોય છે। આજે પૂરી તારક મહેતા ની